आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खासकर कल राज्यसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद कुछ जरूरी मुद्दों पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव घोषित हुआ तो तब बीएसपी एवं सपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आपस में मिलकर अपनी अपनी पार्टी के हाई कमान के दिशा निर्देशन में ऐसी कारगर रणनीति बनाने की कोशिश की गई कि जिससे कि सत्ताधारी बीजेपी का अतिरिक्त अर्थात नोवा खड़ा किया गया प्रत्याशी चुनाव ना जीत सके। राज्यसभा के लिए उनका नोवा खड़ा किया गया प्रत्याशी चुनाव ना जीत सके, और ना ही फिर ये चुनाव लोकतंत्र को कलंकित करने वाले धन्ना सेठों के दबाव व उनके द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त का माध्यम बन सके। और इस मामले में फिर सपा व बसपा के बीच ये तय हुआ कि बीएसपी भी राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसको सपा अपने अतिरिक्त 9 या 10 वोट देकर जिताने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद यहाँ विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में बीएसपी अपने सभी 19 विधायकों का वोट सपा को ट्रांसफर करा के उनके दूसरे उम्मीदवार को जिताएगी। इसके साथ साथ उसी दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी की अराजकता के साथ साथ इनके गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य आम जन विरोधी नीतियों वे कार्यकलापों के खिलाफ अब इस पार्टी को हराने के लिए अपनी नई रणनीति के तहत काम करेगी। और चूंकि हमारी पार्टी पिछले कुछ समय से यहाँ विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ती है, तो इसलिए हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया कि इन दोनों लोकसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी को हराने वाले या सबसे मजबूत विपक्षी उम्मीदवार को ही अपनी पूरी सक्रियता, ईमानदारी व निष्ठा के साथ समर्थन किया जाएगा, जिसके तहत ही फिर गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा की सीट पर बीएसपी के लोगों ने सपा के उम्मीदवार का जोरदार समर्थन किया, और फिर जिसका परिणाम ऐसा धमाकेदार निकला कि फिर बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे, और फिर जिसकी गूंज भी पूरे देश भर में हर तरफ सुनाई पड़ने लगी। वैसे तो बीएसपी व सपा की इस कारगर रणनीति का पूरे देश भर में हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसका व्यापक स्वागत भी किया गया है, किंतु फिर भी बीजेपी अपनी आदत से मजबूर होकर इस चुनाव में अपने गलत कार्य करने से बाज नहीं आई। हेराफेरी करने से, खरीद फरोख करने से, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से, जो उसकी पुरानी आदत रही है उससे बाज नहीं आई। और फिर इन्होंने सूबे राज्यसभा चुनाव के लिए अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार कर वह इस चुनाव को निर्विरोध करने की बजाय इसे मतदान आधारित करवा दिया, जिससे फिर बीजेपी के पुराने चाल चरित्र को देखते हुए इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करने तथा विधायकों की भी तोड़फोड़ व खरीद फरोख्त आदि करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत व पुरानी गोरखपुर की सीट पर तथा उप मुख्यमंत्री व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
श्री केशव प्रसाद मौर्या की भी फूलपुर सीट पर हुए। इन दोनों लोकसभा उपचुनावों में इनकी हुई करारी हार के बाद तो फिर बीजेपी ने कल यहाँ राज्यसभा के हुए चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए और विशेषकर बीएसपी के उम्मीदवार को, जो हमारा आपस में थोड़ा नज़दीकी आ रही थी, उस नज़दीकी में विघ्न पैदा करने के लिए, विशेषकर बीएसपी के उम्मीदवार को हराने के लिए तो अपनी पूरी जान की बाजी बीजेपी ने लगा दी और इसके लिए इन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग किया तथा हर प्रकार के असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक घिनौने हथकंडे तक भी इस्तेमाल किए ताकि सपा व बसपा में जो अभी हाल ही में थोड़ी नज़दीकी आई है तो फिर वह ढीली पड़ जाए या पूरे तौर से खत्म हो जाए, जिससे देश में एक वर्ष के अंदर होने वाले लोकसभा आम चुनाव में फिर बीजेपी को इसका ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, इस नुकसान से बच जाए। और इसी षड्यंत्र के तहत फिर इन्होंने सभी प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके कल बीएसपी के राज्यसभा प्रत्याशी को ये चुनाव हरवा दिया। अर्थात कल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा की सीटों के लिए हुए चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं तो उस पर हमारी पार्टी बीएसपी की वही प्रतिक्रिया है जो कि इस बारे में आम जनता के विचार है और आप लोगों के भी विचार है, मीडिया बंधुओं के भी विचार हैं। और इस बारे में आम जनता की प्रतिक्रिया ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश की श्री योगी सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करने के साथ साथ सरकारी आतंक, मैं आतंक की बात कर रही हूँ, सरकारी आतंक व भय का भी वातावरण पैदा करके एक धन्ना सेठ को राज्यसभा की अतिरिक्त सीट पर चुनाव जितवा दिया है। यह बीजेपी सरकार की धन्ना सेठ समर्थक नीति व कार्यकलाप का एक और जीता जागता ठोस परिणाम है, प्रमाण है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और वैसे तो इस चुनाव में बीजेपी द्वारा विधायकों की धन बल के आधार पर की गई खरीद फरोख्त के बारे में जनता जानती है, ये सब जनता जानती है, परंतु बीजेपी सरकार द्वारा अपने अतिरिक्त धन्ना सेठ उम्मीदवार को जिताने के लिए जो भय व आतंक का माहौल इस दौरान पैदा किया गया तो उस कारण भी विधायकों द्वारा अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्रॉस वोटिंग भी की गई, उनको डराया गया कि ये सरकार के तो अभी 4 साल और पड़े हैं, सेंटर में उनकी सरकार है, सीबीआई है, ईडी है, सब उनके पास हथकंडे हैं, तो उस कारण भी ये सब उनको, उनमें डर पैदा किया, आतंक पैदा किया और उस कारण भी विधायकों द्वारा, कुछ विधायकों को द्वारा अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्रॉस वोटिंग भी की गई है। बाकी लोगों ने, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, उन्होंने उसका मुकाबला किया है और वे अंत तक डटे रहे, उन सबको वे, उनकी हिम्मत के लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी व सपा के एक एक विधायक को वोट डालने से रोकने के लिए, एक सपा का और एक बीएसपी का, और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी व सपा के एक एक विधायक को वोट डालने से रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने अपनी पूरी शक्ति व संसाधन लगा दिए, जबकि देश के अन्य राज्यों में कहीं भी ऐसा नहीं होता है तथा विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने व उन्हें समय पड़ने पर वोट डालने के लिए जेल से बाहर लाया जाता रहा है। इस प्रकार के तमाम हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद भी बीएसपी का उम्मीदवार श्री भीमराव अंबेडकर को पहले प्रेफरेंस का बीजेपी से ज़्यादा वोट मिला है, जिसकी हमें उम्मीद भी थी। केवल बीएसपी के एक विधायक ने दगाबाजी की है और वह अपने व्यवसायिक स्वार्थ में आ गया, जिसे आज हमारी पार्टी ने निलंबित भी कर दिया है। लेकिन इसके विपरीत
दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले इनके सहयोगी दल के यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल के एक दलित विधायक श्री कैलाश नाथ सोनकर ने, जो हमारा विधायक गया, वो बोलता अंतरात्मा, अंतरात्मा नहीं थी, व्यवसायिक स्वार्थ की आत्मा थी उसकी, तो उसने गड़बड़ किया जिसे आज हमारी पार्टी ने निलंबित भी कर दिया। लेकिन इसके विपरीत दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले इनके सहयोगी दल के एक दलित विधायक श्री कैलाश नाथ सोनकर ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर, इसको मैं कह सकती हूँ अपनी, इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, श्री कैलाश नाथ सोनकर ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर वह बीजेपी सरकार की घोर दलित विरोधी नीति वह कार्यकलापों के खिलाफ बीएसपी के उम्मीदवार को अपना वोट दिया। इसके लिए हमारी पार्टी उनका तय दिल से आभार प्रकट करती है, और यदि उसे जबरन इस सरकार द्वारा परेशान किया गया तो हमारी पार्टी पीछे नहीं रहेगी, उसका पूरा साथ देगी। लेकिन वही दूसरी तरफ इनके सहयोगी यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल के दूसरे दलित विधायक श्री त्रिवेणी राम ने अपना पहला वोट सपा व बीजेपी के अतिरिक्त उम्मीदवार को भी पहला ही वोट अलग अलग से देकर अपना पहला वोट भी सपा को दे दिया, और जो बीजेपी का अतिरिक्त उम्मीदवार था उसके सामने भी एक लिख दिया, डंडा खींच दिया। तो अपना पहला वोट सपा व बीजेपी के अतिरिक्त उम्मीदवार को भी अलग अलग से देकर, उनके नाम के सामने अलग अलग से देकर फिर अपने इस वोट को ही अवैध करवा दिया, जो कल एक बीजेपी का हुआ था उनकी तरफ से, ये वो वोट है जिससे ना तो सपा को ना ही बसपा को कोई फायदा हुआ है। इसके अलावा हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी के भी साथ विधायकों के वोट देने के लिए इनका पूरे तय दिल से आभार प्रकट करती है। हालांकि इस चुनाव में हमें राष्ट्रीय लोकदल का वोट नहीं मिला है, अर्थात इनके विधायक का वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर अवैध कराया गया है, क्योंकि हमने इनको कोड नंबर दिया था, जब काउंटिंग हो रही थी देखा गया तो कोड नंबर नहीं था, जो बैलेट पेपर था तो उसने हमारा जो कैंडिडेट है उसके आगे डंडा खींच दिया, और जो बीजेपी का अतिरिक्त कैंडिडेट है उसके आगे भी एक डंडा खींच दिया, तो फिर रिजेक्ट होना था, अवैध होना था, तो जानबूझकर उसको अवैध कराया गया, जिस पर अब हमारी पार्टी को आगे चिंतन करने की भी जरूरत है, खासतौर से राष्ट्रीय लोकदल के मामले में। और जहां तक इस राज्यसभा चुनाव परिणाम पर बीजेपी के नेताओं द्वारा लड्डू खाकर, और जहां तक इस राज्यसभा चुनाव परिणाम पर बीजेपी के नेताओं द्वारा लड्डू खाकर खुशियां मनाने का सवाल है, तो ये गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में सीधे जनता द्वारा उन्हें दी गई करारी व शर्मनाक हार की पूर्ति व बदला आदि तो कभी नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी लड्डू खा ले, ये तो खरीद फरोख्त का मामला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता सीधे वोट देती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता सीधे वोट देती है। चलो भाई, हो सकता है मोदी की नींद ही ना उड़ गई, वो ही ना घूम रहा हो मोदी की, उसके चेले योगी की भी, तो ये मोदी योगी और जहां तक इस राज्यसभा चुनाव परिणाम पर, मैं इसको रिपीट करती हूँ, और जहां तक इस राज्यसभा चुनाव परिणाम पर बीजेपी के नेताओं द्वारा लड्डू खाकर खुशियां मनाने का सवाल है, तो ये गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में
सीधे जनता द्वारा उन्हें दी गई करारी व शर्मनाक हार की पूर्ति व बदला आदि तो कभी नहीं हो सकता है। क्या ये सोचे हमने 9 सीटें जीत लिया, लेकिन उसका जवाब नहीं है ये, क्योंकि वहाँ जनता ने सीधा वोट दिया है। इधर इन्होंने खरीद फरोख्त किया है, भय और आतंक का वातावरण पैदा करके इन्होंने 9वीं सीट जीती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता सीधे वोट देती है, जबकि राज्यसभा के चुनाव में धन्ना सेटों के धन बल व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का खेल ज़्यादा होता है, जिससे बीजेपी के नेताओं को काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है, एक्सपर्ट है, ये सारा जग जानता है। अर्थात गोरखपुर में बीजेपी वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट पर लगभग 28 साल बाद वे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर सीट पर भी हुई करारी हार का जो धब्बा बीजेपी के दामन पर जनता ने दिया है या लगाया है, तो वह राज्यसभा के इस अनैतिक जीत से कभी भी धुलने वाला नहीं है। ये जनता भी अच्छी तरह से जानती है और स्वयं बीजेपी वाले भी जानते हैं, जबकि कल इनके षड्यंत्र को कुछ हद तक धूल चटाई जा सकती थी यदि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव कुंडा के राजा भैया को, जिसे एक जमाने में बीजेपी के लोग कुंडा का गुंडा कहकर पुकारते थे, और खासतौर से श्री कल्याण सिंह कुंडा का गुंडा कहकर पुकारते थे, जिसको मेरी रही सरकार ने इसे ठीक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया था, तो उसके वे झूठे वे फरेब वाले मकड़ जाल में नहीं फंसते, और इसके स्थान पर वे अपनी पूरी ताकत बीजेपी के इस षड्यंत्र को, अर्थात सपा व बसपा आपस में मिल ना सके, इनके इस षड्यंत्र को फेल करने पर लगा देते, जो हमारे इस षड्यंत्र को, जो हमारे इस आपसी तालमेल को तोड़ने में लगे थे उस पर लगा देते, और इसके लिए इनको अपनी हर कुर्बानी देकर बीएसपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को जरूर जितवाना चाहिए था, जिसमें वे कल थोड़ी चूक कर गए हैं। और यदि मैं कल इनकी जगह पर होती तो फिर मैं अपने उम्मीदवार को जितवाने की बजाय इनके अर्थात सपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए पहले प्राथमिकता देती, जिससे फिर बीजेपी सपा व बसपा की बन रही नजदीकी को तोड़ने के लिए आगे जल्दी से अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन फिर भी आज मैं अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर, मुझे मालूम है कि अभी वो श्री अखिलेश यादव अभी राजनीति में ज़्यादा तजर्बेकार नहीं है, अभी वो हालांकि कई साल हो गए, धीरे धीरे तजर्बेकार हो जाएंगे, उनको भी इनको जवाब देना आ जाएगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, तो लेकिन फिर भी आज मैं अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये आगाह कर देना चाहती हूँ कि जिस खास मकसद से अर्थात सपा व बसपा के बन रहे मेल झोल को तोड़ने के लिए बीजेपी व आरएसएस के लोगों ने जानबूझकर व एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत बीएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार को कल हरवाया है, उसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये सोच रहे होंगे कि वाह वाह, बड़े लड्डू खाए होंगे रात भर, अब मायावती बहुत गर्म मिजाज की है, ये अलायंस टूट जाएगा, ये जो इनमें तालमेल बन रहा है इससे ये खराब हो जाएगा, और फिर 19 में जब चुनाव होगा 2019 में लोकसभा का हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे ख्याल आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कल जो भी राज्यसभा का नतीजा आया है उससे सपा व बसपा की आई नजदीकी में तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं है, और इससे अब आगे चलकर बीजेपी का ये षड्यंत्र इनको और भी ज़्यादा महंगे पड़ने वाला है। ये हरा तो दिया, लेकिन अब हमारी पार्टी के लोग और मुझे लगता सपा के भी लोग और ज़्यादा मेहनत के साथ, जीत के साथ
बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकने के लिए, जब लोकसभा का आम चुनाव होगा सन 2019 में, तो इनके कैंडिडेट को हराने में पूरी ताकत झोंक देंगे, यदि सब कुछ आगे तक ये ठीक चलता रहा। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपनी पार्टी के बारे में एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कि अब देश में लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी अपनी पूरी ताकत अपने संगठन को मजबूत करने व सर्व समाज में पार्टी के जन आधार को बढ़ाने पर ही लगा देना चाहती है। चाहती नहीं है, लगा देगी अब। इसलिए अब हमारी पार्टी देश में लोकसभा के आम चुनाव होने से पहले उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा व विधानसभा के जो भी उपचुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तो उसमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा आम चुनाव की तरह पूरे जी जान से पार्टी के सभी कामकाज छोड़कर सक्रिय तौर पर नहीं लगाएगी। अर्थात अब हमारी पार्टी अपने संगठन को पोलिंग बूथ स्तर पर, अपने संगठन को ग्रास रूट लेवल पर, अपने संगठन को मजबूत करने व पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने पर ही अपनी पूरी ताकत लगाएगी, रात दिन मेहनत करके अपनी पूरी एनर्जी इसके ऊपर लगाएगी, ताकि देश में कुछ ही समय के बाद होने वाले लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से रोका जा सके। इसके साथ साथ मैं अपनी पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहूंगी, जब से उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा की थोड़ी नजदीकी बढ़ी है, तो तब से बीजेपी के लोग इसे तोड़ने के लिए काफी ज्यादा अनर्गल बयानबाजी करने में लगे हैं। आज मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगी जो आप नोट करके लाए होंगे, शायद आपके पास फिर कोई सवाल बचे ही ना पूछने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों का रोज पेपर पढ़ती हूँ, चैनल देखती हूँ कि आप क्या क्या सुर्खियां दिखा रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, वाह वाह देखो ये हो गया वो हो गया। आज मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ, शायद आपको कोई सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह भी कहना चाहती हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा की थोड़ी नजदीकी बढ़ी है, तो तब से बीजेपी के लोग इसे तोड़ने के लिए काफी ज्यादा अनर्गल बयानबाजी करने में लगे हैं, और इस मामले में ये लोग काफी ज्यादा अमर्यादित व असंसदीय भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये सब इनकी बीएसपी व सपा के प्रति हीन व जातिवादी संकीर्ण एवं विद्वेषपूर्ण मानसिकता को साफ तौर से दर्शाता है, जबकि इस संबंध में बीजेपी के नेतागण ये भूल गए हैं कि इन्होंने सन 1997 और सन 2002 में बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन की भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी, और जब बीएसपी बीजेपी के साथ तालमेल, गठबंधन अथवा सहयोग आदि करे, तो बीएसपी बहुत अच्छी है उनके हिसाब से, लेकिन अन्य और किसी पार्टी के साथ तालमेल वे आपसी सहयोग करें तो बीएसपी बहुत बुरी है। इनकी ऐसी दोगली मानसिकता वे दोहरा मापदंड क्यों है, आज हमारी पार्टी के लोग इनसे ये सवाल कर रहे हैं, जिसका तर्कपूर्ण जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के नेतागण बीएसपी व सपा की आई नजदीकी पर दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड की भी याद काफी जोरों में आजकल दिलाते घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग बीएसपी के सर्वोच्च नेतृत्व के संबंध में अपनी विद्वेषपूर्ण व जातिवादी गंदी राजनीति को ये क्यों भूल जाते हैं,
इसके साथ ही वे अपने गिरेबान में जाकर ये क्यों नहीं देखते हैं कि एक समय में बीएसपी व उसके सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ इनका रवैया कितना ज़्यादा विषैला व जातिवादी रहा है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोग ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि दिनांक 25 अगस्त सन 2003 को बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर मुझे मुख्यमंत्री के पद से क्यों अचानक इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि इस संबंध में मीडिया बंधुओं को भी ये मालूम है कि उस समय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 60 लोकसभा की सीटों के लिए बीएसपी की सर्वोच्च नेतृत्व को ब्लैकमेल करने की किस प्रकार से घिनौनी कोशिश की थी। मतलब वो उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 बीजेपी अपने लिए चाहती थी हमारे साथ गठबंधन करके, और 20 वो हमें दे रही थी कि आप 20 पे लड़ लो और हमेशा हमेशा के लिए आप मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाएंगे, अब 6-6 महीने का भी झंझट खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए बना देंगे। और उस समय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 60 लोकसभा की सीटों के लिए 20 हमको दे रहे थे, बोल रहे थे तुम लड़ लो, और 80 में से 60 लोकसभा की सीटों के लिए बीएसपी के सर्वोच्च नेतृत्व को ब्लैकमेल करने की किस प्रकार से घिनौनी कोशिश की थी। क्या तब ऐसा प्रयास करना वास्तव में बीएसपी की मूवमेंट को समाप्त करने की इनकी ये सोची समझी साजिश नहीं थी। और फिर सत्ता से अलग होने के बाद उस दौरान इनकी यानी कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वह पूरी तरह से विद्वेषपूर्ण व्यवहार करते हुए मेरे खिलाफ जबरन एक फर्जी मामला दर्ज करा के वह सीबीआई का दुरुपयोग करके तथा इसकी आड़ में बीएसपी मूवमेंट को कड़ा आघात पहुंचाने का बीजेपी का षड्यंत्र क्या सही था, जिसे आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार ने भी इसे काफी लंबे समय तक अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण लटकाए रखा था। परंतु इन सब मामलों में लगभग एक दशक के बाद फिर अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही हमें न्याय मिला है। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के खिलाफ अपने अंध विरोध में बीजेपी के नेतागण ये भी भूल गए कि जब 2 जून आप लोगों को सुनना चाहिए, जब 2 जून सन 1995 को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो तब सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का राजनीति से दूर दूर तक का कुछ भी वास्ता नहीं था। और तब फिर उस घृणित वे कभी भी ना भुलाए जाने वाले स्टेट गेस्ट हाउस कांड के लिए श्री अखिलेश दास को क्या जिम्मेदार ठहराना न्याय संगत वे उचित होगा? मैं समझती हूँ ये कतई भी उचित नहीं होगा। अर्थात इस कांड के श्री अखिलेश यादव को भी जिम्मेदार ठहराना ना केवल गलत है बल्कि ये बीजेपी की सस्ती व ओछी राजनीति को भी दर्शाता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बीजेपी के नेतागण अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में सपा के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस की अप्रिय व दुखद घटना की तो लोगों को जरूर याद दिलाते हैं, परंतु वर्तमान में अपनी सरकार की उस करतूत को, इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, परंतु वर्तमान में अपनी सरकार की उस करतूत को जनता के सामने क्यों नहीं दर्शाते हैं जिस पुलिस अधिकारी की मौजूदगी व सीधे संरक्षण में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया गया था, तब उसी पुलिस अधिकारी को तो अब यानी कि वर्तमान में तो अब उसी पुलिस अधिकारी को बीजेपी की श्री योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख अर्थात डीजीपी बनाया हुआ है जिसने खड़े होकर ये कांड करवाया था। अब उसी पुलिस अधिकारी को बीजेपी की श्री योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख
अर्थात डीजीपी बनाया हुआ है। ये सब हमारे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है तो और क्या है। इसे भी ध्यान में रखकर बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक कर देखते हैं कि उनकी साजिश भी कोई कम घिनौनी नहीं रही है, तथा इन्होंने भी एक के बाद एक कितने जख्म बीएसपी की सर्वोच्च नेतृत्व में उनकी मूवमेंट को दिए हैं। इसके साथ ही ये बात भी सर्वविदित है कि पिछले वर्ष बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव सबीरपुर में कराए गए जातीय दंगे के पीछे मेरी हत्या कराने की भी इनकी एक घिनौनी साजिश थी, ऐसा वहां के लोगों का कहना है, जिसे हमारी पार्टी ने केवल अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ यहां मेरा ये भी कहना है कि मेरी हत्या कराने के मकसद से कराया गया लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को पुलिस विभाग का सबसे बड़ा ओहदा देकर, आज सबसे बड़ा ओहदा देकर क्या आप बीजेपी की सरकार मेरी हत्या कराने की फिराक में तो नहीं है, ताकि फिर बीएसपी का मूवमेंट ही दम तोड़ दे। ये भी अति गंभीरता से यहां सोचने की बात है। इसके साथ साथ यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीजेपी वे आरएसएस एंड कंपनी के लोग वास्तव में आज भी पूरे देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति उसी हीन जातिवादी व सामंती मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, जैसा कि इनके बुजुर्गों ने सदियों तक यहाँ किया है। और इन्होंने इन उपेक्षित वर्गों के करोड़ों लोगों को इनके लिए लाचारी, गुलामी वे जानवर से भी बदतर जीवन जीते रहने को मजबूर किया है। और अभी भी ये लोग खासकर दलितों व पिछड़ों को अपने देश के पवित्र संविधान व कानून की मंशा के विरुद्ध गुलामी की जातिवादी जंजीर में बंधा मजदूर व लाचार बंधुआ मजदूर देखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच, प्रयास व आजीवन कठिन संघर्षों के बाद मिले संविधानिक प्रावधानों के तहत खासकर दलित व पिछड़ा वर्ग समाज इकट्ठा हो और वह स्वयं अपने वोट की ताकत के बल पर यहाँ अपने देश का शासक कर्ता जमात बने। यही कारण है कि बीजेपी के लोग बीएसपी व सपा की अभी हाल ही में आई थोड़ी नजदीकी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसे कभी बेमेल तो कभी स्वार्थी तो कभी अवसरवादी तो तथा कभी सांप छंचूदर आदि का गठबंधन बताते रहते हैं। और ये सब इन वर्गों के प्रति इनकी हीन जातिवादी व सामंती मानसिकता को ही स्पष्ट तौर पर दर्शाता है, जिनको अब ये हमारे लोग ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए अब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अपनी ऐसी गंदी, सस्ती व ओछी राजनीति करने से बाज आना चाहिए, वरना इस बार जनता इन्हें 14 वर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से आजीवन वनवास ही भेज देगी। 14 वर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से आजीवन वनवास पर ही भेज देगी। इसके साथ ही सपा व बसपा की आई नजदीकी से घबराकर अब बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश के अति दलितों व अति पिछड़ों को पूर्व में दिए गए आरक्षण में से कुछ अलग से आरक्षण देने की जो बात कर रहे हैं तो इससे हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यदि इनकी सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाती है तो फिर हमारी पार्टी उसका पूरे तह दिल से स्वागत ही करेगी, विरोध नहीं। और जहां तक देश में SC ST एक्ट का सवाल है, इसको लागू करने का सवाल है, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का हमेशा ये कहना रहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और हमने अपनी चारों सरकारों में इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया था और इस एक्ट के जरिए हमने यहाँ दलितों को पूरा न्याय दिलवाया था, एक्ट का दुरुपयोग भी नहीं होने दिया था और जिस मकसद से ये एक्ट बना था उस मकसद को
हमने उस मकसद से इस यहाँ पर दलितों को पूरा न्याय भी दिलवाया था। लेकिन देश में जहाँ हमारी पार्टी के विधायक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार के पर जब भी कोई संकट आया तो हमने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे सरकार को बचाने का हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी से हमारे अच्छे संबंध है। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के 7 विधायक यहाँ से चुनकर गए। हालांकि पता नहीं आप लोगों ने कैसे उनके एक विधायक की न्यूज़ गलत तरीके से दिखा दी थी कि क्रॉस वोटिंग कर दिया है। बेचारे उसको मीडिया के बीच में आना पड़ा कि मैंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं किया है।